हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके नाइस। तो फ्रेंड्स, यदि आप अध्यापक बनने के इच्छुक हैं तो यहाँ पर वैकेंसीज की भर्ती करने जा रहा है चयन बोर्ड। तो फ्रेंड्स, प्रवक्ता एल्टी ग्रेड की भर्ती में कुछ पद खाली हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सूबे की 2249 राज्य के हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता व एल्टी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती अब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से की जाएगी। तो 10,768 पदों की भर्ती तो चल रही है, और उसके अलावा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से एल्टी ग्रेड शिक्षक भर्ती कराई जाएगी। फिलहाल ये भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए हो रही है। राज्य के स्कूलों में प्रवक्ता की भर्ती जो लंबे समय से आयोग करता आ रहा है, लेकिन 10,768 एल्टी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पहली बार पिछले साल जुलाई में आयोग ने लिखित परीक्षा कराई थी। तो एल्टी ग्रेड के 11,246 पद और प्रवक्ता के 5,308 पद खाली हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस भर्ती का पेपर आउट होने के लेकर बवाल मचा है, और आयोग के पूर्व परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार को भी जेल में जाना पड़ा है। इसलिए अब केवल राजकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पदों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने की वर्तमान व्यवस्था जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। शासन ने इसके लिए रोड मैप बनाने का आदेश अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक महेंद्र देव एवं अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अंजना गोयल को दिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 17 जून को माध्यमिक शिक्षा विभाग की कार्य योजना के संबंध में हुई समीक्षा बैठक का हवाला देते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडे ने चयन में बदलाव संबंधी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो केवल राज्य के प्रधानाचार्यों की भर्ती लोक सेवा आयोग से होगी। 2294 राज्य के हाईस्कूल व इंटर कॉलेजों में होगी भर्ती। वर्तमान में एल्टी ग्रेड से प्रधानाचार्य तक की भर्ती है आयोग के पास। तो फ्रेंड्स, राज्य के विद्यालयों में प्रवक्ता के 5,308 और एल्टी ग्रेड के 11,246 कुल 16,554 पद खाली हैं। स्वीकृत पदों की संख्या 26,755 है। लोक सेवा आयोग की ओर से की जा रही 10,768 एल्टी ग्रेड शिक्षक भर्ती पेपर लीक विवाद में फंस गया, जबकि 478 पदों का अधियाचन माध्यमिक शिक्षा विभाग ने आयोग को भेज दिया है। वहीं प्रवक्ता के 5,308 पद भी खाली हैं। तो फ्रेंड्स, 478 पदों के लिए अधियाचन माध्यमिक सेवा शिक्षा विभाग के लिए भेजा गया है। तो यहाँ पर जल्द से जल्द भर्ती निकलने वाली है, तो तैयार हो जाइए आप। और संस्कृत विद्यालय व संबंध प्राइमरी में भर्ती की जिम्मेदारी भी राज्य के विद्यालयों की शिक्षक भर्ती चयन बोर्ड से करने से पूर्व सरकार ने 971 संस्कृत विद्यालयों और 4200 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में संबंध प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक भर्ती करने की जिम्मेदारी भी चयन बोर्ड को दी है। तो फ्रेंड्स, ये लेटेस्ट न्यूज़ था, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। और आरओ एआरओ प्री का फिर फंसेगा रिजल्ट। समीक्षा अधिकारी आरओ सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ 2016 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम फिर फंसेगा। मामले में अमिताभ ठाकुर की ओर से न्यायालय में दाखिल प्रोस्टेट प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की अगली तारीख 3 सितंबर निर्धारित की गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 27 नवंबर 2016 को आयोजित आर ओ ए आर ओ प्रारंभिक परीक्षा के पेपर लीक मामले में CBCID की ओर से लगाई गई अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ IPS अफसर अमिताभ ठाकुर द्वारा लखनऊ जिला न्यायालय में दायर प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र पर सोमवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन सुजीत पांडे के सामने सुनवाई हुई। तो ये आरओ एआरओ के रिजल्ट को लेकर है फिर से फंसने वाला है, क्योंकि आईपीएस अमिताभ के प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र पर 3 को होगी सुनवाई, 3 तारीख को सुनवाई होगी। और पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती 2016 के अभ्यर्थी जाएंगे कोर्ट। तो उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर 170 पदों के लिए 2016 में निकली भर्ती प्रक्रिया में किसी भी अभ्यर्थी के सफल न होने का दोष अभ्यर्थियों ने भर्ती बोर्ड पर मढ़ा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि एक ही सर्टिफिकेट के लिए 2 अलग अलग परीक्षाओं का नियम अलग अलग कैसे हो सकता है, इसके लिए वह न्यायालय में शरण लेंगे। और DLED रिजल्ट घोषित नहीं होने से प्रशिक्षु परेशान। DLED 2017 बेंच का परिणाम घोषित होने में देरी को लेकर प्रशिक्षुओं ने सोमवार को सचिव परीक्षा नियामक पदाधिकारी से मुलाकात की। प्रशिक्षुओं का दावा है कि DLED तीसरे सेमेस्टर के रिजल्ट के संबंध में सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने आश्वासन दिया है कि परिणाम 1 हफ्ते में जारी कर दिया जाएगा। तो आज की सभी लेटेस्ट न्यूज़ हमने कवर की हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।